नमस्कार, मेरा नाम नविता है और मैं आज एक कविता सुनाना चाहती हूँ जो कि है लड़कियों के ऊपर, उनकी सुरक्षा के ऊपर। मेरा सवाल है समाज से, आप सभी से, कि क्यों क्यों वो हर गली सुरक्षित नहीं जहाँ ज़्यादातर सिर्फ मर्द जाते हैं? क्यों वो हर गली सुरक्षित नहीं जहाँ ज़्यादातर भीड़ सिर्फ मर्दों की होती है? क्यों बेटियों को टोका जाता है? कि क्यों बेटियों को टोका जाता है? बहुत सारे आदमी हैं, अभी मत जा कह के अक्सर रोका जाता है। लड़की लड़की जब घर पे बोलती है कि शादी है मेरे दोस्त की, शादी है मेरे दोस्त की, मैं जाऊंगी उसके वहाँ। सुन, भाई को साथ लेकर जाना। सुन, माँ के पीछे से आवाज़ आती है। सुन, भाई को साथ लेकर जाना जहाँ भी हो जा। पर क्या भाई के दोस्त की शादी में हमको भेजा जाता है? पर क्या भाई के दोस्त की शादी में हमें भेजा जाता है? ना जाने क्यों लड़कियों को हर बात पे टोका जाता है। बाहर जाना है ढंग के कपड़े पहन, बाहर जाना है ढंग के कपड़े पहन। लेट नाइट जॉब लड़कियों के लिए ठीक नहीं होती है। लेट नाइट जॉब लड़कियों के लिए होती नहीं है सही। जरा तो बात को समझ। बाहर जाए लड़कियां तो पहले क्यों अच्छा नहीं बुरा ख्याल सोचा जाता है? कि बाहर जाए लड़कियां तो पहले क्यों अच्छा नहीं बुरा ख्याल सोचा जाता है? ना जाने क्यों लड़कियों को हर बात पे टोका जाता है। तुम पाबंदियां लगा सकते हो औरतों पे, समाज से सवाल है कि तुम पाबंदियां लगा सकते हो औरतों पर जरा ऐसे ऐसे सोच है जिनकी, घटिया सोच, पर जरा घटिया सोच वाले उन दरिंदों पे भी लगा लो। समझो, समझाओ उनको कि समझाओ उन दरिंदों को कि अपनी सोच को थोड़ा सुंदर सुंदर विचारों से सजा लें। तो मेरा अंत में एक यही सुझाव है कि बेटियों को आप कमजोर ना समझे, उनको प्रोत्साहित करें। क्योंकि आप जब तक किसी से नहीं डरते हैं, जब आप खुद को अकेला समझते हैं, जब हमारे डर अपने आप हमारे अंदर आ जाता है, तो आप हमेशा अपने खुद के साथ बने रहो, अपनी बहन अपनी बेटियों के साथ बने रहो। थैंक यू, धन्यवाद।